हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं टेक अर्निंग सपोर्ट चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक न्यू प्लेटफॉर्म की, उसके बारे में जानकारी लेंगे। साथ ही बता दूं, उसी प्लेटफॉर्म का हमने एक एयरड्रॉप ज्वाइन किया था जिसका नाम था डेगो फाइनेंस। कुछ टाइम पहले आपके साथ इसे शेयर किया, उसके बाद क्लेमिंग की अपडेट्स भी टाइम टाइम पे आपके साथ शेयर की हमारे टेक अर्निंग सपोर्ट चैनल पे। सो अगर अभी तक आपने हमारे टेक अर्निंग सपोर्ट चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सो गाइस प्लीज कर लीजिए, बिकॉज हर एक एड्रॉप की वीडियोस तो नहीं ला सकती, बट अपडेट्स दे सकती हूँ आपको हमारे इस चैनल पे। तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बात कर लेते हैं कि अगर आपने इस एड्रॉप को, डेगो फाइनेंस के एड्रॉप को मेरे साथ ज्वाइन किया था, इस बॉट को ज्वाइन किया था, तो अब टाइम आ गया है कि हम इसके टोकन को कर लें क्लेम। इस एड्रॉप को ज्वाइन करने के लिए हमने इस बॉट को ज्वाइन किया था, जहाँ पे सभी को एड्रॉप ज्वाइन करने के लिए 1 NFT जो है वो दिया जा रहा था। साथ ही इसमें एक दूसरा कॉन्टेस्ट भी था जिसमें जिसके सबसे ज़्यादा रेफरल्स होते, टॉप 10 रेफरल्स के, उनको एक एक्स्ट्रा बोनस मिलने वाला था। तो अनफॉर्चुनेटली वो तो हमारी कम्युनिटी ने विन नहीं किया, बट 1 NFT हमारे कम्युनिटी के सभी मेंबर्स को मिला होगा। तो अब बात करेंगे इसको क्लेम करने की, एंड NFT होता क्या है। ये है इसका पेज जहां पे हमें हमारा NFT को करना है क्लेम। आपने बॉट ज्वाइन कर लिया, आपको वहां पे बैलेंस दिखा रहा है। अब आपको इसे क्लेम करने के लिए मैं लिंक दूंगी dago.finance का, इस पे आपको आना है, यही इनकी वेबसाइट है। इस पर जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स दिखाई देंगे, बट अब जब भी इनसे और दूसरे सिंबल्स पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा दैट इज कमिंग सून। इट्स मीन कि ये जो न्यू जो भी फीचर्स हैं वो इसमें आने वाले हैं, वो न्यू करेंसीज जो हैं वो ऐड होने वाली हैं, बट फिलहाल हमको यहाँ पे जो क्लेम करना है वो है NFT। तो मैं जस्ट सिंपली इस NFT के ऑप्शन पे जैसे ही क्लेम का क्लिक करती हूँ तो मेरे पास क्लेमिंग के लिए ये ऑप्शन यहाँ से खुल जाएगा। सो अब मुझे टू रिसीव का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मेरे पास ये ऑप्शन आया बिकॉज मैंने ऑलरेडी इसको अपने वॉलेट से कनेक्ट कर रखा है जो कि मेटामास्क का वॉलेट था। बट आप जब इस पेज पर आएंगे तो आपको सबसे पहले मेटामास्क वॉलेट से कनेक्ट करना है, या फिर आप चाहें तो ट्रस्ट वॉलेट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो सिंपली मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। पहले मैं यहाँ आऊंगी तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है डैशबोर्ड। इस ऑप्शन पे आके मैंने यहाँ पे क्लिक किया। सो मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड था तो ये ऑप्शन नहीं आ पा रहा, बट सिंपली आप जब उस वेबसाइट पे जाएंगे आपको डैशबोर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो आपके सामने कुछ इस तरीके का फीचर आएगा और यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आपको आपका वॉलेट मेटामास्क से कलेक्ट करना है या फिर ट्रस्ट वॉलेट से। सो अगर आप ट्रस्ट वॉलेट से करना चाहते हैं तो ट्रस्ट वॉलेट से ऐड कर लीजिएगा। आपको सिंपली क्या करना है, इस लिंक को यहाँ से कॉपी करके अपने ट्रस्ट वॉलेट के ऑप्शन पे जाके टैप्स पे इस लिंक को पेस्ट कर देना है। तो एज इट इज सारे फंक्शंस आपके पास ओपन हो जाएंगे जो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ प्रोसेस में। पर अगर आपको मेटामास्क से कनेक्ट करना है तो सिंपली मेटामास्क पे क्लिक कीजिएगा, एंड मेटामास्क पे क्लिक करने के बाद में आपको एक्सेप्ट करना होगा मेटामास्क में जाके इस वॉलेट को कनेक्ट करने के लिए। एक बार जब कनेक्ट हो जाए इसके बाद हम क्लेम करेंगे NFT। टू रिसीव के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया। सो जब मेरा मेटामास्क यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है तो मुझे यहाँ पे फीस बताई जा रही है कि $20 तक मुझे फीस यहाँ पे करनी होगी इसी क्लेम करने के लिए। सो फीस के मामले में हम कुछ भी नहीं कर सकते, $12, $13 तो यूजली कल भी आ रही थी और कल भी मैं वेट कर रही थी थोड़ी कम हो जाए उसके बाद क्लेम करूँ। आज का पूरा दिन भी मैंने वेट किया बट कम नहीं हो पा रही है फीस। इसका रीज़न एडमिन बता रहे हैं कि काफ़ी सारे मेंबर्स एक साथ क्लेम कर रहे हैं इसलिए फीस भी काफ़ी हाई है। बट मैं अब ज़्यादा वेट नहीं करूँगी, मैं जस्ट आपको मुझे करके बताना है तो मैं अब ये आपको लाइव ही करके बता रही हूँ। जस्ट मैंने कंफर्म के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर दिया है। सो क्लेम होने के बाद ये थोड़ी देर टाइम ले रहा है, हम वेट करेंगे। सो अब यहाँ पे ये इसने घूमना बंद कर दिया है, तो लेट्स सी कि हमने क्या क्लेम किया है। सो माई NFT के ऑप्शन पे आकर हमें करना है क्लिक। सो यहाँ पे ये ब्रोंज जो है वो हमें रिसीव हुआ है।
सो ये एक पहला प्रोसेस हो गया कि आपके पास अगर वन एनएफटी है तो किस तरीके से आपको वेबसाइट के इस लिंक पे आना है, किस तरीके से मेटामास्क से या ट्रस्ट वॉलेट से कनेक्ट करना है एंड आपको क्लेम करना है अपना एनएफटी, फर्स्ट थिंग। सेकंड जो अब मैं बताने वाली हूँ, अब आपको ये जो ब्रोंज मिला है या इसकी जगह हो सकता है आपको यहाँ पे किसी को सिल्वर मिल जाए, किसी को गोल्ड मिल जाए, किसी को प्लैटिनियम मिले या किसी को डायमंड मिले या फिर किसी को कुछ भी मिले, तो आपको उस सबको किस तरीके से सेल करना है। सो मुझे मिला है यहाँ पे ब्रोंज, सो अब मैं इसको सेल करके बताऊंगी, जब तक मैं मेरे दूसरे वॉलेट के अंदर भी कर लेती हूँ कि मुझे दूसरे वॉलेट में क्या मिला है। सो देखिए, हमने क्लेम तो इसको कर लिया, अब मेरे पास ये ब्रोंज है, आपके पास प्लेटिनियम, गोल्ड, सिल्वर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सेकंड चीज, आपको यहाँ पे इसको सेल करना होगा या ट्रेड करना होगा OpenSea.io पे। अगर आपको OpenSea.io पे नहीं करना आता ट्रस्ट वॉलेट में भी, सो ये भी एक एनएफटी था जो हम लोगों को बाइनेंस की तरफ से मिला था। इसके ऊपर भी विड्रॉल के ऊपर एंड क्लेम के ऊपर मैंने पूरी वीडियो आपके साथ शेयर किया था, तो आप चाहें तो इस लास्ट वीडियो को भी देख लीजिएगा, इससे आपको ट्रस्ट वॉलेट में भी हेल्प मिल जाएगी। सेकंड थिंग कि अब हमको OpenSea पे इसको सेल करना है, सो आई हैव दिस ब्रोंज। ये मेरे पास शो इसलिए हो रहा है बिकॉज मैंने वही मेटामास्क का वॉलेट जो है अपना वो इससे कनेक्ट कर रखा है। जब आप इस वाली लिंक को खोलेंगे, फर्स्ट तो वेबसाइट का लिंक होगा जो deco.finance होगा, सेकंड OpenSea.io होगा जिस पर हमको ट्रेड करनी है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले मेटामास्क को कनेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो सबसे पहले आपको मेटामास्क से कनेक्ट कर लेना है, उसी वॉलेट से कनेक्ट करना है जिसके अंदर आपने अपने इनको क्लेम किया है। जब आप इससे कनेक्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास यहाँ पे ये शो होने लग जाएगा। अब इसको आपको किस तरीके से सेल करना है, ट्रेड करना है, या अगर आप चाहें तो एज अ गिफ्ट भी आप किसी को भी दे सकते हैं। जैसे कि हम लोग ने लास्ट एनएफटी जो हमें मिले थे एज अ गिफ्ट हम सेंड कर सकते थे ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू भी। सो इसमें यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा अकाउंट का, सो आप अकाउंट के इस ऑप्शन पे जब आएंगे तब आप यहाँ पे ट्रांसफर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। सो सिंपली मैं यहाँ पे ट्रांसफर के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। सो ट्रांसफर के ऑप्शन पे जाके केवल आपको वॉलेट एड्रेस देना है जिस एड्रेस पर आप सेंड करना चाहते हो, ठीक है, तो वो सेंड हो जाएंगे। अब हमको यहाँ पर इसको क्या करना है, ट्रेड करना है। देखिए मेरा वॉलेट कनेक्टेड है, मेरे पास यहाँ पे मेरा बैलेंस भी दिखा रहा है, ये मेरा वॉलेट भी दिखा रहा है। सो अब मैं यहाँ पर आके सिंपली यहाँ पे अकाउंट, सबसे पहले अकाउंट सेटिंग के ऑप्शन पे आके आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है, क्योंकि जब भी आपने जो क्लेम किया है अपने टोकन्स को, उसका जब भी ट्रेड होगा उसका, या फिर आप जो भी बिड लगा के उस पर छोड़ेंगे, जब भी उस पर कोई बायर आएगा, जब वो सेल हो जाएगा, तो आपको जो नोटिफिकेशन आएंगे वो उसी ईमेल पे आएंगे। तो यहाँ पे अपना वो ईमेल एड्रेस एंड यूजर नेम अपना अपना सेट करके सेव कर देना है। ये काम करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस एक तरीके से ये होगा कि आपने जो भी जो करेंसी जो है क्लेम करी है वो आपकी है, आप अब उसको लिस्टिंग कर रहे हैं। जब भी यहाँ पे कोई बायर आएगा वो आपने जितने भी प्राइस पर उसको बिट लगाया होगा या सेल करने के लिए ऑर्डर लगाया होगा, वो अगर रेडी होगा उस प्राइस पे खरीदने के लिए, तो वो जैसे भी खरीदेगा तो आपकी ईमेल पर आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आपके जो भी करेंसी है उसके लिए जो बायर है वो आ चुका है या वो ट्रेड हो चुका है या हाईएस्ट प्राइस पे आ चुका है। जब हम इसको यहाँ पे इस तरीके से सेव करेंगे कि इस ईमेल एड्रेस पर हमें हमारे नोटिफिकेशन आते जाएं, तब भी ये एक बार मेटामास्क से कनेक्टिविटी के लिए आपसे अप्रूव करवाएगा, तो उसे अप्रूव कर दीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से ये आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे साइन इन कर लेना है। इससे ये होगा कि जब भी आप इसको ओपन करेंगे ना, तो अब आपसे ये बार बार आपका जो पासवर्ड वगैरह है वो आपसे नहीं मांगेगा। तो जस्ट मैंने इसको सिंपली साइन इन कर दिया है। सो अब इसको सेल करेंगे अकाउंट के ऑप्शन से। मैं यहाँ पे सेल के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया। सेल के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जस्ट मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगी, क्योंकि मुझे ये सेल करना है। सो यहाँ पे आके मैंने इस पे सेल के ऑप्शन पे क्लिक किया। सो ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद ये इस तरीके से यहाँ पर आएगा, आपको दिख जाएगा कि आपको क्या सेल करना है। पोस्ट योर लिस्टिंग के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, जो मैंने आपको अकाउंट ट्रांसफर के अंदर आके बताया। आपका ईमेल वगैरह सेट करना होता है जिससे आपको नोटिफिकेशन जाता है। अब पोस्ट योर लिस्टिंग से पहले आपको प्राइस सेट करनी है कि आपको अपनी इस करेंसी को
कितनी प्राइस पे सेल करना है। पहले तो मैं ये बता दूं आपको, यहाँ पे जितने भी ब्रॉन्ज दिख रहे हैं, जितने भी सिल्वर दिख रहे हैं, प्लेटिनम दिख रहे हैं, इसकी कोई प्राइस जो है वो डिसाइडेड नहीं है। इसकी प्राइस जो है वो सेट करेंगे बायर और सेलर मिलके। मान लीजिए मुझे यहाँ पे ब्रॉन्ज मिला है, मैं इसको सेल करना चाहती हूँ 2 इथेरियम पे, 3 इथेरियम पे, 4 इथेरियम पे या 5 इथेरियम पे। तो सिंपली मैं यहाँ पे आके इसको 5 इथेरियम क्लिक दूंगी एंड पोस्ट योर लिस्टिंग के ऑप्शन पे आके क्लिक कर दूंगी। जब भी कोई बायर आएगा ब्रॉन्ज को बाय करने के लिए और वो जब मेरी प्राइस देखेगा, अगर वो एग्री होगा तो वो उस प्राइस पे इंस्टेंट बाय कर लेगा और मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा और मैं उसके बाय के ऑर्डर को एक्सेप्ट करूंगी और एक्सेप्ट करते ही मेरे ब्रॉन्ज जो हैं वो उसके और उसके एड्रेस पे चले जाएंगे, वॉलेट एड्रेस पे, एंड मेरे पास जो है वो उसकी इथेरियम जो है आ जाएंगे। सो इस तरीके से यहाँ पे ये पूरी तरीके से बाय एंड सेल की ट्रेड चलती है। सो कोई प्राइस जो है वो फिक्स नहीं होती है। इन सब की प्राइस जो है आपको इसी तरीके से सेट करनी होगी अकॉर्डिंग टू योर प्रॉफिट। कि मान लीजिए अगर आपको प्लैटिनम मिल रहा है तो इट्स अप टू यू कि आपको 10 इथेरियम पे सेल कर रहा है, 1 इथेरियम पे, 2 पे या 3 पे। लाइक मुझे अभी इतना कोई अर्जेंट नहीं है कि मुझे इसे सेल ही करना है। सो एज आई सेड यू कि मैं इसको 5 इथेरियम पे सेट करके रख दूंगी। जब भी कोई बायर होगा पोस्ट योर लिस्टिंग के ऑप्शन पे आके यहाँ पे क्लिक कर दूंगी। कोई बायर आएगा तो मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा और मैं एक्सेप्ट करते ही उसको जो है सेल कर दूंगी। सो सिंपली यहाँ पे मैंने 5 सेट कर दिया है एंड पोस्ट योर लिस्टिंग पे अब मुझे कर देना है क्लिक। जैसे ही मैं क्लिक करूंगी ये यहाँ पे लिस्टिंग होना शुरू हो रहा है। अब ये मेटामास्क से कनेक्ट होगा, मेटामास्क से मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करूंगी इसे। सो इस तरीके से जब आप इसको सेल के लिए भी ऑर्डर लगाएंगे तब भी यहाँ पर आपकी फीस जो है वो जाएगी। देखिए यहाँ पे $7.88 जो है वो अगेन फीस के लिए मांगे जा रहे हैं। सो इतना महंगा मैं ट्रेड ऑर्डर नहीं लगा रही, जब थोड़ा कम हो जाएगा मैं जब देख लूंगी। तो मैंने अभी आपको ये पूरा प्रोसेस बता दिया है कि किस तरीके से आप यहाँ पे इसके सेल ऑर्डर लगा सकते हैं। जब भी कोई बायर आएगा जो आपकी बिट पे लेने को रेडी होगा तब आप उसको आराम से सेल कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू कि आपको कितने पर इसको सेल करना है। अब अगर आपको ये देखना है कि आपको जो भी कार्ड्स मिले हैं, करेंसीज मिले हैं, उसकी सप्लाई कितनी है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली मान लीजिए मेरे जो डायमंड का कार्ड मिला है या आपको मिला है, सो आपको जिस इस पर क्लिक करना है तो आपको ये यहाँ पे मिल जाएगा रेयरली फाउंड। इट्स मीन कि ये वाले जो कार्ड्स हैं वो बहुत ही कम हैं और बहुत कम लोगों के पास में है। तो इस अकॉर्डिंग आप सोच सकते हैं कि इसकी प्राइस जो है जितनी अच्छी सेट करके आप सेल करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। इसी अकॉर्डिंग आप चाहें तो यहाँ पे दूसरा वाला कार्ड अपन देखते हैं गोल्ड का। तो यहाँ पे साफ लिख रखा है कि ये जो है ये भी नॉर्मली सबके पास में है तो आप इसको उसके अकॉर्डिंग सेल कर सकते हैं। सो इस अकॉर्डिंग इनकी बता देते हैं ऊपर, लाइक इसके ऊपर लिख रखा है अ डोमेंट डिस्प्लेड इन मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट में किस तरीके से जो लोगों के घर होते थे उसके ऊपर जो भी अलंकरण होता था इनका वो सब बता रखा है। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा, आपको देखना ये है कि आपको कितने पे इनको सेल करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइस सेट करनी है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको सेल करना है। सेकंड थिंग कि अब ये कार्ड्स क्या होते हैं, किस तरीके से आप चाहें तो आप भी अपनी इस तरीके की करेंसी बनाकर आप भी इनको जो है डिस्प्ले करवा सकते हैं, लिस्टिंग करवा सकते हैं और उनको बाय सेल भी कर सकते हैं। ये किस तरीके से होगा आई जस्ट ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इसके ऊपर फुल लेकर आऊं। इसके अलावा जो लोग ये पूछ रहे थे कि आखिर ये NFT होता क्या है, ये किस तरीके से किया जाता है, सो आप इसको जस्ट सिंपली इतना समझ के रखिए कि आप एक मार्केट मान के चलिए जहां पे अगर आप कोई भी चीज बेचना चाहते हैं तो आपने उसकी प्राइस सेट कर रखी है कि मुझे इतने पर इसको सेल करना है। तो आप अगर अपने घर के बाहर भी अगर बोर्ड लगा दें कि आपको ये चीज बेचनी है और इतने पे ही बेचनी है प्राइस पे, तो जो भी वहां से कोई भी सेलर बायर निकलेगा जिसको वो चीज़ चाहिए होगी या उसको जो पसंद आएगी उस प्राइस पे, तो वो लेने के लिए आपके पास में आ जाएगा, आपसे कांटेक्ट करेगा और आपको दाम देगा और आपसे वो चीज़ ले जाएगा। तो सिंपली वही काम जो है वो इस NFT के पूरे प्लेटफॉर्म पे होता है कि आपके पास ये कार्ड्स रखे हैं, आपके पास ये करेंसी है, आपने यहाँ पे बिड लगा दी है, आप कोई भी बायर आएगा अगर आपको
अगर उनको आपकी वो प्राइस सही लगेगी तो वो इंस्टेंट आपको वहाँ से बाय करेगा वहाँ से और आपको उसका प्राइस दे देगा। तो सिंपली अभी इतना ही समझाऊंगी इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि किस तरीके से हम खुद के कार्ड्स, खुद की करेंसीज को जो है वो डेवलप करके इस तरीके के प्लेटफॉर्म से किस तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू एयरड्रॉप्स एंड अपडेट्स के साथ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।